वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो आप ये देख रहे हैं ये मेरे गुलदाउदी के प्लांट्स हैं। तो मैं आपसे अपने प्लांट की एक प्रॉब्लम के बारे में शेयर कर रही हूँ कि मेरे प्लांट में क्या प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, तो मैं ये आपको ये दिखा रही हूँ, ये आप ये देख रहे हैं, ये मेरे प्लांट में बर्ड्स भी आई हुई हैं। अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, इसमें ये वाइट कलर के मिली बर्ड्स आपको दिखाई देंगे। ये देखिए ये, और इसके नीचे ये पूरी स्टेम देखिए ब्लैक कलर के, इसमें ये कीड़े लग गए हैं। तो इस तरह से ये देखिए, ये वाइट रंग के मिली बर्ड्स हैं और ये छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक पूरे स्टेम में ये कीड़े लग गए हैं। तो मैं इनसे परेशान हूँ और मैं इन्हें दूर भगाना चाहती हूँ। ये चींटियों की तरह छोटे छोटे से हैं, लेकिन ये क्या है मुझे नहीं पता है। ये मैं पहली बार अपने प्लांट में फेस कर रही हूँ। हम अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है कि ठंडी में ही जब सरसों की फसल तैयार हो जाती है, जब से धूप नहीं लगती है तो जाड़ों में, तो इस तरह की मऊ कहते हैं उसे, छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। तो इसी तरह से ये हमारे यहाँ दिखाई दे रहा है। इनकी वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। ये हमारे प्लांट को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, ना ही हमारी इनकी वजह से कलियाँ खिल पाती हैं। तो ये आप देखेंगे, ये मेरे पूरे प्लांट में इस तरह से ये भरे पड़े हैं और इसका ही आज हम इलाज करने वाले हैं। ये जो देख रहे हैं, ये जो केमिकल है, ये आपके लोकल नर्सरी पे मिल जाएगा। जहाँ से बीज या खाद मिलता है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। इसका नाम आप जो भी हो सकता है, लेकिन इसका केमिकल जो है इमिडा क्लोरोपीड करके है। तो इस नाम से, केमिकल के नाम से आपको ये लेना है और इससे ही हम अपने प्लांट की ट्रीटमेंट करने वाले हैं। इसलिए हमें एक कोई भी बॉटल हो, स्प्रे बॉटल लेना है जिसमें पानी हो। आपके पास जो हो वो बॉटल ले लीजिए, उसमें आप पानी ले लीजिए और इस केमिकल को हम इसके अंदर डालेंगे। तो अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं तो हमें इसके अंदर इसकी आधा चम्मच या 10 से 15 बूंद इसके अंदर हमें डालनी होती है। इसको अच्छे से हम डाल देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से डालेंगे तो ये वाइट कलर की होती है। इसको 10-15 बूंद डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे जहाँ पर ये कीड़े लगे हैं वहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से स्प्रे कर देंगे ताकि हमारे कीड़े मर जाएं। ये आप देखें, इस तरह से मैं ये स्प्रे कर दे रही हूँ। देखते हैं ये क्या असर करती है। हमें अच्छी तरह से अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे करके एकदम साफ कर लेना है और ये सब काम हमें अपने प्लांट पे शाम के समय करना है। और जहाँ जहाँ पे ये देखिए कितनी ढेर सारी इसमें लगी हुई हैं, तो इसे हमें अच्छे से सब पूरे प्लांट को नहला देना है स्प्रे से, ताकि हमारा प्लांट सेफ हो जाए और सारे कीड़े गायब हो जाए। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर ये वाइट वाइट मिली बर्ड्स लगी हुई हैं। ये हम इस तरह से अपने सभी प्लांट्स के ऊपर इसका स्प्रे कर देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा वही प्लांट है जिसमें ब्लैक ब्लैक इसमें मऊ जैसे कीटाणु लग गए थे। तो स्प्रे करने के बाद ये सारे, ये देखिए, ये सारे इसके इफेक्ट जो थे ये सारे भाग गए हैं और हमारा प्लांट क्लीन हो गया है। ये आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, इस पहले ये किस तरह से ये इसमें जकड़े रहते थे, पहले इसके ऊपर ढेर सारे ये ब्लैक ब्लैक इसके अंदर ये पूरे थे। तो आप भी इस तरह से आपके प्लांट में अगर मिली बग्स या और कोई आपको प्रॉब्लम दिखे तो आप इस पेस्ट का उपयोग कर सकते हैं अपने प्लांट के लिए।